कॉमन नेम क्वीन ऑफ फ्लावर्स, रोज को है क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। एमएल इसका रोजेसी, और ओरिजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्रोमोसोम नंबर 14, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रोज? तो फर्स्ट इज ल्यूज फ्लावर्स, ल्यूज फ्लावर्स के लिए कौन सा स्पीसीज है जो यूज करते हैं? रोजा डोमेसिना, जो देसी गुलाब होता है वो ल्यूज फ्लावर के लिए यूज करते हैं। देन कट फ्लावर्स के रूप में यूज करते हैं जो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूज फ्लावर एंड कट फ्लावर? फ्लावर्स कट विद स्टेम, नोन एज कट फ्लावर। जो स्टेम के साथ में कट किया जाता है वो कट फ्लावर, और विदाउट स्टेम वो है ल्यूज फ्लावर। तो एग्जांपल ल्यूज फ्लावर, और रोज में जो है मैक्सिमम कट फ्लावर है, सिर्फ जो देसी गुलाब डोमेसिना है वो ल्यूज फ्लावर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। फिर है रोज वाटर इसका बनाता है, पता है रोज वाटर यूज करते हैं आई वगैरह में, आई लोशन के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद रोज ऑयल, रोज परफ्यूम में काम में लेते हैं। उसके बाद में आता गुलकंद जो बनता है वो रोज से ही बनता है, ठीक है। गुलकंद बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा पार्ट यूज करते हैं फ्लावर का? गुलकंद के लिए कौन सा पार्ट यूज करते हैं? पेटल्स यूज करते हैं फ्लावर के, पेटल्स, ठीक है। और इसके बाद पंखुड़ी क्या होता है? ड्राई रोज पेटल्स होते हैं, सूख जाते हैं, उसको यूज करते हैं। पेशंस वगैरह में डाल के जो स्मेल आपने देखा होगा रोज में, वो पंखुड़ी का ही होता है, उसमें फिलअप कर दिया जाता है, वो होता है पंखुड़ी। फिर है गुलरोगन जो क्या करते हैं, रोज हेयर ऑयल है, ये भी रोज पेटल्स से बनाए जाते हैं, सीसम ऑयल मिक्स करके उसको बनाते हैं। टॉप 10 रोज प्रोडक्शन कंट्रीज, जहाँ पे सबसे ज्यादा गुलाब का प्रोडक्शन होता है।